हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बाना मार्बल की। आज की वीडियो में हम आपको लाइनिंग के अंदर चकडूंगरी मार्बल दिखाने वाले हैं। क्वांटिटी की बात करें तो लोट की साइज़ 700, 800, 500 इस तरीके से रहने वाली है, और साइजेस भी आप देख सकते हो। कंप्लीट जो है लाइनिंग का मटेरियल है, और कंप्लीट जो है फ्रेश मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि फिलिंग मटेरियल को ही हम फ्रेश बता देंगे। बाना मार्बल अच्छी क्वालिटी में डील करता है, एक ट्रस्ट के साथ डील करता है। तो आप देख सकते हो ये दोनों स्लेब अच्छी साइज़ के अंदर है। उसी के साथ इसी लाइनिंग के अंदर ये जो आप मटेरियल देख रहे हो ये लाइनिंग के अंदर है, जिसमें ग्लेज आप देख सकते हो, लाइनिंग आप देख सकते हो। बात करते हैं प्राइजिंग की, तो चकडूंगरी मार्बल की जो मिनिमम प्राइजिंग है 100 रुपीज़ रहती है, जिसमें डिपेंड करता है लोट की साइज़ पे, वाइटनेस पे प्राइजिंग डिपेंड करता है। तो पर्टिकुलर अगर आपकी चॉइस है लाइनिंग के अंदर, तो ये कंप्लीट लोड जो है 7000 स्क्वायर फीट है, और 7000 स्क्वायर फीट में कंप्लीट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये उसमें थोड़ा अच्छा वाइटनेस का है, पास ले जाके दिखाता हूँ। कोई भी क्रिस्टल इसके अंदर साइन नहीं करेगा, ये देखिए। और बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पर मैंने वीडियो बनाई है, तो बिल्कुल भी धूप वगैरह कुछ भी इस पर नहीं आ रही है, तो आपको क्वालिटी वगैरह का आइडिया हो रहा होगा। ये देखिए, लाइनिंग आगे से लेके पीछे तक कंप्लीट सिमिलर जाएगी, ऐसा नहीं है कि लाइनिंग चेंज हो जाएगी, लाइनिंग सिमिलर ही जाएगी, जिससे फ्लोरिंग के बाद कंप्लीट अच्छा लुक आएगा। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट स्लैब है इसमें थोड़ा सा रिकवरी आपको कम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्राइजिंग की, तो चकडूंगरी मार्बल की जो प्राइजिंग है 100 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ तक वेरी करती है, डिपेंड करता है क्वालिटी की, वाइटनेस, रिकवरी, इन सभी पे। तो एक प्राइस चीज़ ऐसी है, कई लोग फ़ोटोज़ में जो 200 का मटेरियल है उसे 100 रुपये में बता देते हैं, और कस्टमर जब उनके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो तो फिलिंग का मटेरियल है, या पता भी नहीं चलता और वो लेके आ जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बाना मार्बल आइए, आपको फिलिंग क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, क्रेक को कैसे पहचानना है, डुप्लीकेट मार्बल को कैसे पहचानना है, सब कुछ जानने को मिलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे कस्टमर आए हुए हैं पंजाब से, उन्होंने मार्केट की बहुत सी शॉप विज़िट करी है, और 3 साल से मार्बल परचेस कर रहे हैं अपने घर के लिए और अपने रिलेटिव के लिए। तो उनको कैसा लगा बाना मार्बल आके, चलिए उनसे भी जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये आज हमारे कस्टमर आए हैं अबोर पंजाब से, इनका मटेरियल लोड हो चुका है और ये यहाँ पे रेस्ट करेंगे और मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे। तो सर, अंकल जी, कैसा लगा आपको मार्बल परचेज करके और मकरा ना के? परचेजिंग तो ऐसे है, जो हमें अच्छा लगा, हम वो जगह घूमे जहाँ पे हमें अच्छा जो रेशा पसंद आया, या इनका व्यवहार या रेट वो बहुत रीजनेबल लगा, और गंगाराम जी का और इसके बेटा ओम जी का बोलने का जो है वो भी नेचर बहुत बढ़िया था। यही बात होती है, अगर हम किसी के पास जाते हैं दुकानदार के पास, वो अच्छा बोल रहे, अच्छा करे, और ये जो भी है रेट या जो पैमाइश है उसमें भी इन्होंने कोई मेरे हिसाब से धोखाधड़ी नहीं करी। इन्होंने जो है वो मकला जो हमने मार्बल लिया उसकी मेजरमेंट भी कहती है खुद आप ही करो। एक दो जगह हमने क्या है ज़्यादा कर दी, वो 3-6-9 की जो है इनकी रेशो थी, वो कहते नहीं ऐसे इसमें हम कम लेंगे। तो ये मैं तो यही सोचता हूँ कि ऐसा दुकानदार मतलब कम ही मिलता है, जैसा मतलब इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, सभी के साथ ऐसा ही करें तो मेरे ख्याल तो ये मैं तो जैसे यहाँ पे कई सालों से आ रहा हूँ 2016 से, पर मेरे को सबसे बढ़िया इनका व्यवहार लगा, बोलने में, चलने में, मेजरमेंट में, माल भी अच्छा है और प्राइस भी रिजनेबल है, कम है बाजार से, काफ़ी कम रेट में के पास मार्बल मिलता है यहाँ पे। और मैं तो ये बोलूँगा जो भी हमारे पंजाब से आता है या कोई इधर उधर कहीं से भी आता है, तो एक बार इधर इनके पास इनको सबको आना चाहिए और यहाँ पे आके एक बार ट्राई जरूर करें, ले या ना ले वो तो बात की इच्छा है, उसकी भी जस्ता या नहीं जस्ता, पर एक बार आना जरूर चाहिए सबको। और
से मिले सबसे अच्छा व्यवहार मेरे को इनका लगा है। तो जैसा कि सर ने बताया कि एक बार जरूर आके देखना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने सही कहा, जब आके आप देखोगे तब पता चलेगा कि क्वालिटी क्या होती है, प्राइस क्या होती है, मेजरमेंट का तरीका क्या होता है। अबोर से राजा नागपा बोल रहा हूँ, पंजाब से। मैं सोनू एमपी अबोर से। हमारा दोनों का आड़त का व्यवसाय है उधर दाना मंडी, दान मंडी अबोर में। तो हम अबोर से आए हैं। ओके। प्रॉपर अबोर से है ये, और इनका धान का बिजनेस है। तो ये अपने घर के लिए लगाने के लिए मार्बल लेके आए, लेने आए हैं। पहले भी मकराना में 2017-16 से आ रहे हैं, और मार्बल हमसे लिया है इस बार। और बाकी भी कई शॉप्स पे इन्होंने विजिट किया है, और उनके कंपेयर में हमारी रेट और हमारी क्वालिटी इनको अच्छी लगी है। तो अगर आपको भी अच्छा मार्बल लेना है, रीजनेबल रेट में लेना है, क्वालिटी अच्छी लेनी है, तो हमारे पास एक बार विजिट ज़रूर करिए। अगर आपको प्राइजिंग अच्छी लगती है तो लीजिए, नहीं प्राइजिंग लीजिए तो आप आते हो, उसके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।